बड़े गले का ब्लाउज बनाते हैं और शिकायत आती है कंधे बार उतर रहे हैं, तो आज आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक आपको देने वाले हैं ताकि कितना भी बड़ा गला हो आपका ब्लाउज का कंधा कहीं नहीं जाएगा। आपको मैं दिखा दूं, देखिए कितना ये बड़ा गला है, इधर दिखाइए जरा, देखिए कितना डीपली गला है। आप चाहे 10 बनाए, चाहे 11 बनाए, चाहे 12 इंच बनाए, आज ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा ताकि जो है आपका गला कंधे से ना। कोशिश करें जब भी बड़े गले का ब्लाउज बना रहे हो तो उसमें हमेशा डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल करें। इस तरीके से गोल्डन डोरी लगाएं, चाहे अपने मन पसंद लगाएं। अगर ये गोल्डन डोरी आपको पाइपिंग बनाना नहीं आती है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को सर्च करें, मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको ये सब बताया जाएगा। जहां जहां पर हमें टाइट रखना है आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए जहां से गुलाई होती है वहां हल्का सा टाइट रखना पड़ता है पाइपिंग को, यहां पर ज्यादा नहीं खींचेंगे नहीं तो गले का शेप खराब हो जाएगा। ये जो हिस्सा होता है कंधी, जहां से जोड़ होता है बीच से कम 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड, यहां पर थोड़ा सा हमें टाइट रखना होता है ताकि कंधा हमारा उतरे ना। इस तरीके से पाइपिंग को टाइट कर लीजिए। जहां पर गोलाई होगी वहां टाइट करना है और कंधी के पास दोनों साइड। देखिए इस ब्लाउज में थोड़ा सा रेड कपड़ा लगाकर डबल पाइपिंग दे रहा हूं ताकि ब्लाउज की और खूबसूरती बढ़ जाए। तो आप देख रहे होंगे सिंगल चापा मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, डबल चापे से मैं पाइपिंग लगा रहा हूं। इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, किस तरीके से लगा सकते हैं आप जाकर के विजिट करें चैनल पर और सीखें। देखिए इस साइड भी इतना हिस्सा आएगा, यहां पर भी हमें टाइट करना है पाइपिंग को। जितना भी ये टाइट करेंगे उतनी कंधी आपकी अच्छी बैठेगी, उतरेगी नहीं। पाइपिंग हमारी लग गई है, इस तरीके से गला बन के आएगा। ये देखिए अब ये कस्टमर जब पहनेगा तो उसके कंधे कभी भागेंगे नहीं। आपको क्या करना है, यहां से इतना टाइट रखना है, बाकी गोलाइयों में थोड़ा टाइट रखना है, ठीक है। और हमेशा अक्सर जब भी ब्लाउज बनाए बड़े गले का डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल करें, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि